नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जनपद श्रावस्ती जिले में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग। कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद से जुटा हुआ है। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने लगातार जिले भर में निगरानी की तथा लोगों को गाइडलाइन के पालन के लिए समझाया। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन एवं पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालान काटने तथा दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की है। इसी प्रकार गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर तहसीलदार शिव सिबांध्या पांडे के नेतृत्व में लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूल तथा एक दुकान को सीज किया गया। आपको बता दें कि जनपद श्रावस्ती के थाना इकोना अंतर्गत इकोना धुन ही मार्ग पर सूरज नहर कॉलोनी के पास कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की दुकान को कोविड 19 के नियमों के अनुपालन न करने के आरोप में तथा अधिकारियों को क्या नाम आपका? जी हीरालाल। हीरालाल कहाँ जा रहे थे? इकोना साहब। आपका चालान हुआ है? जी। कितने रुपए का हुआ? 1000 का। चालान क्यों किया गया आपका? जी साहब मास्क ना लगा रहे हैं। तो आपको लगा रहे हैं साहब? नहीं, मास्क लगाए होते तो आपका चालान क्यों किया जाता? लगाए रहे साहब मास्क। फिर रोक लें साहब? नहीं, पहले से आपको नहीं पता था कि मास्क लगाना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं? जी कौना जा रहे हैं। घर कहाँ पड़ेगा आपका? जी कपला। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।